और बढ़ते आगे रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। एपी त्रिपाठी को रायपुर लेकर आई है एसीबी की टीम। शराब कॉर्पोरेशन का पूर्व एमडी एपी त्रिपाठी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम जिसे रायपुर लेकर पहुंची, बिहार के गोपालगंज से गिरफ्तारी हुई थी। और शराब घोटाले का किंग पिन है अरुणपति त्रिपाठी। उधर शराब कारोबारी की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। अरविंद सिंह ने ये जमानत याचिका लगाई है, विशेष कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और अरुणपति त्रिपाठी की जमानत के लिए याचिका लगाई गई है उस पर भी सुनवाई होनी है। और शराब कारोबारियों के द्वारा जो याचिका लगाई गई है उस पर भी आज विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी है, जो शराब कारोबारी अरविंद सिंह के द्वारा लगाई गई याचिका है। तो दोनों ही मामलों पर रहेगी हमारी नजर। और शराब घोटाला के मामले से जुड़े इन आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है इस पर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। रायपुर चलेंगे, युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। युगल, दो याचिका लगाई गई, एक तो अरविंद सिंह ने याचिका लगाई है जमानत के लिए, अरुणपति त्रिपाठी की भी याचिका लगी हुई है, और अब गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है कि कुछ और तथ्य, कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। देखिए, एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पूरी तरह से लगातार जो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। कल 21 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। 19 लाख और करोड़ों की जो जमीन से जुड़े हुए जो दस्तावेज है वो जब्त किए गए हैं। बस्ता भर भर के गाड़ियों में जो दस्तावेज है वो लाया गया है। इसका मतलब साफ है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम है वो कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। और इस बीच अगर एपी त्रिपाठी है, जिसे शराब घोटाले का किंग पिन कहा जाता है, और इनके जो जो तालुकात हैं, तार हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ कुछ राजनेताओं से भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में गिरफ्तारियां हैं वो भी बढ़ जाएगी। और एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने पहले भी अरविंद सिंह और अनवर ढेवर को गिरफ्तार किया है, तो ऐसे में और भी जो क्लू मिलेंगे उस हिसाब पर छापेमारी की कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल चूंकि जब कोई किसी को अरेस्ट करते हैं तो न्यायालय में पेश उन्हें करना होता है, तो इस लिहाज से जो आरोपी है वो न्यायालय में जमानत के लिए अपनी याचिका है लगा सकते हैं। देखना होगा कि न्यायालय किस तरह का फैसला देगा। और चूंकि जो अरविंद सिंह है उसे पहले ही अरेस्ट किया गया है, तो उन्होंने अपनी जमानत के लिए एक याचिका लगाई है और फिलहाल वो रिमांड पर हैं। तो दोनों आरोपी हैं अनवर ढेबर और अरविंद सिंह, इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और ये बात तय है कि आने वाले समय में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम है और भी बड़ी गिरफ्तारियां हैं वो कर सकती है। जी आशीष, बिल्कुल, अरुणपति त्रिपाठी के मामले पर भी नजर आप बनाकर रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश।